हेलो दोस्तों, दिस इज आशीष इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियोस में मैंने बोनसेस से रिलेटेड ही बनाया था। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि भाई रियल प्ले बोनसेस काम कैसे करता है और कितने फॉलोअर्स पे ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इसे स्टार्ट कर देता हूँ मोबाइल उस पर लेकर चल के। ठीक है, देखिए इंस्टाग्राम बोनसेस रील्स प्ले दिखाई दे रहा है मेटा की तरफ से। ओके, फ्रॉम मेटा। ये एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता, बस इसमें क्या क्या डिटेल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बस आपको बता सकता हूँ। वेलकम टू इंस्टाग्राम रील प्ले बोनस। वी वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू फॉर मेकिंग द बेस्ट एंगेजिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी वीडियोस आप बना रहे, तो इसके कारण हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ पैसा दें, कुछ रिवॉर्ड्स दें। ओके, जितना ज़्यादा आपके इसमें व्यूज आएगा उतना ज़्यादा आप इसमें पैसा कमा सकते हो। यूज दिस गाइड टू लर्न अबाउट मोनेटाइजेशन फाउंडेशन, हाउ रील्स प्ले वर्क्स एंड हाउ ऑनबोर्ड टू रील्स प्ले, किस तरीके से करते हैं। इसमें तीन आपके इसमें चैप्टर दिए हुए हैं, मोनेटाइजेशन फाउंडेशन, रील प्ले एक्सप्लेन किया गया है और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इसमें समझाई गई है। ओके, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देने लग जाएगा अगर आप चेक करते हो। स्टार्ट अर्निंग विद बोनसेस, गेट पेड 534 शेयरिंग द न्यू रील्स। न्यू रील्स बनाते जाइए, $530 मिल जाएंगे या उससे भी ज़्यादा रहते हैं। थ्रेस होल्ड पर डिपेंड करता है आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके इसमें दिखाई देंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर, ट्राई इट। ओके, हाँ, अगर यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ तो मोनेटाइजेशन फाउंडेशन पे सबसे पहले आते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर बोनसेस आपको मिल चुका है या नहीं भी मिला है, पर मोनेटाइजेशन इंस्टाग्राम के जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, मतलब भाई आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये टूल्स आपके इसमें मोनेटाइज होगा या नहीं, ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोई भी पॉलिसी को वायलेशन नहीं किया होगा, कोई गलत तरीके से वीडियोस अपलोड करके नहीं तोड़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पर अभी रियल प्ले बोनसेस कुछ ही लोगों को दिया जा रहा है। ये मैं पुराने वीडियोस का बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये मत बोलने का सर ये पहले भी बना चुके हो, क्योंकि इसके पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाए थे वो मैंने डिलीट कर दिया, पर लोगों को फिर से के रूल्स के बारे में बताना है, इसके कारण मैं ये वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, कंप्लाई विद द कंपनी गाइडलाइंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। डेवलप एंड एस्टैब्लिश प्रेजेंस, आपका अकाउंट अच्छा होना चाहिए जिसमें आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम डेली वीडियोज़ चेक कर रहे हैं, नहीं, आपको डेली वीडियोज़ अपलोड भी करना है, हाई क्वालिटी भी करना है, ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ भी करना है, मतलब एंगेजिंग कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। कंप्लाई विद द कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज और रिसेट इन एन एलिजिबल कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज में आपका रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है जहाँ ये एलिजिबल किया गया। अगर इंडिया वालों के लिए किया गया है, तो अगर आप इंडिया में हो तो डेफिनेटली आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब इसमें देखिए मोनेटाइजेशन फाउंडेशन में कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए, कुछ टिप्स दी गई है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको आप जल्द से जल्द समझा दूंगा। ओके, ऐसे ही कंटेंट आप शेयर कीजिए या बनाइए जो आपके पास राइट टू यूज़ है, मतलब जिसे आपने खुद ने क्रिएट किया हो। एस्टैब्लिश प्रेजेंस और इंस्टाग्राम टर्म्स को आपको ध्यान में रख के ही पैसा बनाना है और वहाँ से पैसा रिसीव भी करना है। ओके, ऐसा कोई भी आपको एंगेजमेंट या डोंट एंगेज विद एनी पीवर्टेड आर्टिफिशियली बूस्ट योर एंगेजमेंट, या भाई जो भी आपने देखा होगा थर्ड पार्टी एप्स की मदद से फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं, लाइक्स बढ़ाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप करते हो तो आपको बोनसेस नहीं मिलेगा। ऐसे भी कोई भी आपको पोस्ट नहीं करना है जो गलत इन्फॉर्मेशन देती है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है जिससे सामने वाले का नुकसान हो सकता है, ठीक है, या क्वालिटी को लेकर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कंफर्म योर एलिजिबिलिटी, देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आप जाओगे तो वहाँ पर जाके आपको रियल प्ले बोनसेस मिल जाएगा, तो बोनसेस पे जाकर आप सेटअप कर सकते हैं। या अगर आप एलिजिबल नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, अप्लाई इन ऐप्स एंड चेक योर प्रोफेशनल डैशबोर्ड फॉर स्टेटस अपडेट, ठीक है। इन ऐप्स में जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस बनाकर बता चुका हूँ किस तरीके से इन ऐप्स में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो creator.com पर जाने के बाद आप बोनसेस पे जाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड, अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, और उसके बाद चेक योर मोनेटाइजेशन स्टेट, यहाँ पर आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। पर अभी जैसे कि आएगा तो ये आपके लिए पूरी तरीके से आने वाला है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये टेस्ट रेट पर चल रहा था। रील्स प्ले एक्सप्लेन किया गया है। रील्स प्ले बोनसेस के बारे में इतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये प्रोग्रेस आप चेक करते रहने का है। हर महीने की 21 तारीख के पास आपके पास पैसा आ जाएगा और एक महीने में 150 वीडियोज़ डाल सकते हो। 150 वीडियोज़ को ही आप बोनसेस के लिए भाई ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके ऊपर एक वीडियोज़ भी होगा तो उसमें आपको बोनसेस नहीं मिलेगा। हाँ, आप कोई भी 150 वीडियोज़ को कर सकते हैं। अभी मुझे वीडियोज़ डाल रहा हूँ, मैंने पेड पार्टनरशिप कर दिया किसी ब्रांड के साथ, मैंने पैसा ले लिया है तो मैं इसमें बोनसेस शुरू नहीं करूँगा। ओके, मैक्सिमम बोनस, अप्रॉक्सीमेट बोनस और बोनसेस प्ले, ठीक है। हाईएस्ट बोनस आपको कितना मिलने वाला है कि भाई अप्रॉक्सीमेट इतना अमाउंट तो आपको बिल्कुल मिलेगा बोनसेस प्ले, जितना ज़्यादा रील्स आप ये व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। पर अगर
दिखाई दे रहा है इधर, आई एम एलिजिबल नाउ फ्रॉम नाउ इंस्टाग्राम विल प्लेस इनवाइट ओनली फॉर द क्रिएटर विथ 5K प्लस फॉलोवर्स, 5000 से ज़्यादा फॉलोवर्स, ये पुराना वाला है ठीक है। अभी इनके तरफ से कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है कि भाई इतना आपके इसमें फॉलोअर्स होने चाहिए तब जाके आपको इन्वाइट किया जाएगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का क्रिएटर कोर्स ज़रूर कंप्लीट कर लेना है ना, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उससे। वंस ए रियल प्ले बोनस बिकम अवेलेबल टू यू, डोंट फॉरगेट टू एक्टिवेट द बोनसेस, एक बार आपके पास आया तो एक्टिवेट करना ज़रूरी है। बहुत सारे जन क्या कर रहे हैं, इग्नोर करते हैं, उनको लगता बाद में हम एक्टिवेट कर लेंगे, नहीं टाइम चले जाता, 10 दिन चले गए आपका वो एक्टिवेशन नहीं हुआ तो आपको बोनसेस नहीं मिलेगा। तो एक्टिवेट है, एक्टिवेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल प्ले ऑन बोर्डिंग ठीक है, यहाँ पर स्टेप दिखाई दे रहा है किस तरीके से सेटअप आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको VAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी रहेगा, तभी भी डेफिनेटली आप इसे कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सेटअप मैनुअल लिंक बैंक अकाउंट कर सकते हैं या पेपाल के थ्रू भी कर सकते हैं, पर पेपाल अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर स्विफ्ट कोड डालना है और डायरेक्टली बैंक अकाउंट के थ्रू ये लिंक हो जाएगा। स्विफ्ट कोड क्या है इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल पैसा जब इंडिया में आता है तो एक बैंक उसे कन्वर्ट करता है, उसका कोड लगता है यहाँ पे। ओके, रियल प्ले बोनसेस ऑन बोर्डिंग, यहाँ पर देखिए हाँ ये टैक्स फॉर्म भी फिलअप करना ज़रूरी है। एड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जाना, 3 नंबर डालना मतलब पैन आधार कार्ड नंबर डालना है, आमिर खान लिखा है यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट करना है आपका नाम पूरा आ जाएगा और उसके बाद इस तरीके से कंसेंट एंड साइन वाला लेटर आपके पास आएगा और डायरेक्टली सबमिट फॉर्म करना है। योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड, जो आपने गिफ्ट में भी फिलअप किया होगा आपको तो पता ही होगा, तो उसके कारण ऐसे ही सेम टू सेम फॉर्म आपको इस तरह भी फिलअप करना है, टैक्स फॉर्म फिलअप करना है। पर अगर आपने अकाउंट नंबर गिफ्ट में डाल चुके थे अपना कि भाई जो भी अकाउंट पे हमारा पैसा आने वाला है तो इसमें डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेक श्योर डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट एंड सबमिटेड, जो पैन कार्ड में नाम है वही नाम आपको इसमें डालना है और टैक्स फॉर्म तभी आप सबमिट कर पाओगे। आखिरी है एडिशनल क्वेश्चन, देखिए लास्ट पेज है, इसके बाद यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पर एडिशनल क्वेश्चन में व्हाई डज रियल प्ले इंपैक्ट माय डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेट इन द बोनस लाइकली प्ले डज नॉट इन्फ्लुएंस द वे ए क्रिएटर कंटेंट इज डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंस्टाग्राम टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग रील्स, भाई रील्स अच्छे बनाइए और अच्छा पैसा कमाइए। अगर रील्स बनाना नहीं आ पाता, कुछ प्रॉब्लम है तो क्रिएटर कोर्स यहाँ पर क्लिक करके उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। कैन आई टेक अ ब्रांड कंटेंट ऑन द रियल प्ले बोनसेस, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ब्रांड कंटेंट आपने ऑन कर चुका है, किसी ब्रांड से पैसा लिया है, तो आप रियल बोनसेस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाउ कैन आई रिपोर्ट इशू डेट आई एम एक्सपीरियंस विद द रियल प्ले, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाइए, ये यहाँ पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको भी कोई भी इशू फेस हो रहे हैं कि भाई मुझे बोनसेस नहीं मिला, मेरे अकाउंट पर बोनसेस नहीं आ पा रहा, इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम होंगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैन आई ऑफ बोर्ड फ्रॉम द रियल प्ले बोनस और बोनसेस, फॉर एग्जाम्पल रिमूव पर्सनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने कुछ बैंकिंग डिटेल डाल दिया हो, मुझे लग रहा नहीं यार मुझे बोनसेस ही नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा पैसे का, तो उसके अगर आप इधर से हट सकते हो या नहीं, बिल्कुल आप इधर से डायरेक्टली लीव भी कर सकते, मतलब बोनसेस कैंसिल भी कर सकते। If you want to remove an active real play bonus, you can choose to not tag future reels to active bonuses. Bonuses में आगे के लिए आप real play bonus को activate नहीं कर सकते, ठीक है। Activate के लिए हर महीने आपके पास एक message आता है कि भाई आपको activate करना है, इतना threshold है, एक महीने के अंदर आपको complete करना है। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे activate नहीं करना है, तो definitely आप उसे activate नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखाई दे रही है, ठीक है। रील प्ले बोनस भी मैंने आपको समझा दिया है, मोनेटाइजेशन के बारे में भी आपको समझा दिया हो, और यह है इंस्टाग्राम रील प्ले बोनसेस। और भी कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसे कर दो तो डायरेक्टली यहाँ से बन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड और सब्सक्राइब माय चैनल। एज ऑफ इंजीनियर ऐसे वीडियो बनाते रहते हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।